गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। टुडे वी डिस्कस अबाउट सुपर पोजिशन थ्योरम। लास्ट क्लास तक हमने थेवेनिन्स थ्योरम, केवीएल, केसीएल डिस्कस कर लिया था डीसी सर्किट में। सो हम आज सुपर पोजिशन थ्योरम देखेंगे। सो सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है? सुपर पोजिशन थ्योरम होता है कि किसी भी बायलेटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क में द करेंट और वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच कैन बी कैलकुलेटेड बाई टेकिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम रिप्लेसिंग द अदर सोर्सेज बाई देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी बायलेटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क पे जो करेंट और वोल्टेज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सोर्स पे करंट वोल्टेज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम के द्वारा। कब? बाय टेकिंग वन सोर्स एट टाइम, एक सोर्स को एट ए टाइम लें और बाकी जो अदर एक्टिव सोर्सेस हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थ्योरम इन एनी बायलेटरल बायलेटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क द करेंट और वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच कैन बी और वोल्टेज अक्रॉस एनी सोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई टेकिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ बाई टेकिंग एल्जेब्रिक सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड by taking one source at a time and the other source their active source हमने बताया था पिछले क्लास में क्या होता है, जैसे करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, एक्टिव सोर्सेस रिप्लेस बाय देयर their respective internal resistance. Okay, तो यह हमारा सुपर पोजिशन थ्योरम की बेसिक डेफिनेशन कि किसी भी बायलेटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क पे जो करंट और वोल्टेज है हम उसको एल्जेब्रिक सम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम, एक सोर्स को एट अ टाइम लेके और बाकी एक्टिव सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके। सो एल्जेब्रिक सम, सॉरी सुपर पोजिशन थ्योरम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं जिनको यूज़ करके हम सुपर पोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टेप्स सॉल्विंग क्वेश्चंस, पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एक्टिव सोर्स। पहला हमको आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन More than one active sources. पहले हमको किसी एक ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है और उस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है जिसको हमको कैलकुलेट करना है अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एक्टिव सोर्स, विद द प्रेजेंस ऑफ एक से ज़्यादा एक्टिव सोर्सेस के प्रेजेंस पे। ओके, तो इनको हम अभी इन स्टेप्स को
न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स एट अ टाइम एंड रिप्लेस द रिमेनिंग बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्टिव सोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और हम किसी एक एक्टिव सोर्स को कंसीडर करके बाकी एक्टिव सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। सो क्या ये कंसीडर वन एक्टिव सोर्स एट अ टाइम टाइम एंड रिप्लेस द रिमेनिंग बाई देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ओके, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। व्हाट इज थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द रिक्वायर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर द पर्टिकुलर सोर्स। जिस सोर्स को हमने कंसीडर किया है बाकी सोर्सेज को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके, उस सोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, उस सोर्स की क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा थर्ड क्या है, कैलकुलेट द रिक्वायर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर द पर्टिकुलर सोर्सेस। ओके, नाउ व्हाट इज आवर फोर्थ स्टेप, रिपीट द प्रीवियस टू स्टेप्स फॉर ऑल द सोर्सेस। जैसे इस सोर्स का हमको हमारे पास की रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी हमको निकालना था वो निकल आई, अब हम यही प्रोसेस दूसरे एक्टिव सोर्स के लिए रिप्लेस करेंगे। इस बार हम दूसरे को एक्टिव सोर्स को कंसिडर करेंगे और बाकी जो हमारे एक्टिव सोर्स हैं इंक्लूडिंग दिस जिसके जिसको हमने अभी किया है, इन सब के एक्टिव सोर्स को इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके दूसरे वाले को निकालेंगे। सिमिलरली हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास सारी क्वांटिटी हमको मिल नहीं जाती। ओके, फोर्थ क्या है, रिपीट द प्रीवियस टू स्टेप्स फॉर ऑल द सोर्सेस। ओके, नाउ व्हाट इज आवर फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल वैल्यू विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक क्वांटिटी फॉर द ऑल सोर्सेस वर्किंग टुगेदर। इन सब के जितने भी हमने वैल्यू निकाले इन सबका एल्जेब्रिक सम हमारी फाइनल वैल्यू होगी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। ओके, तो sum of all these individual values is will be final value of required electrical quantity ये सबके एल्जेब्रिक वैल्यूज़ हमारी फाइनल वैल्यूज़ के रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, सो इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। सो क्या है न्यूमेरिकल हमारा फॉर द गिवन सर्किट सर्किट यूजिंग द सुपर पोजिशन एशियन थ्योरम कैलकुलेट करंट आई। ओके, सो एक सर्किट हम अभी बनाएंगे, फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग द सुपर पोजिशन थ्योरम करके हमको करंट को कैलकुलेट करना, तो हम सर्किट अपने बना लेते हैं कुछ ऐसे है।
24 volt. This is our 8 ohm. This one 4 ohm, 4 ohm, 3 ohm, and ye hamara 3 ampere current. Okay. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन सोर्स हैं हमारे, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये है. तीन एक्टिव सोर्स हैं हमारे पास. इनको हम एक एट अ टाइम एक को कंसीडर करके बाकी सबके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके हम वैल्यू निकालेंगे. ओके, तो हमारे पास तीन सोर्सेस हैं, तो हम सबसे पहले इस सोर्स को कंसीडर कर लेते हैं, दिस वन. इसको हम कंसीडर कर लेते हैं. हम लिखते हैं टेकिंग 12 सोर्स, taking 12 volt source and replacing all the other active source by their internal resistance and replacing all the other active source by their internal resistance. Okay, तो हम इस एक्टिव सोर्स को कंसीडर करते हैं और बाकी एक्टिव सोर्स को हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं. तो हम एक नई सर्किट बना लेते हैं इधर. तो जैसे ये वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, ये करंट सोर्स है तो हम इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे. पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था इसको. तो हमारी शॉर्ट सर्किट हो गई. इसको हमने कंसीडर किया तो एज इट इज़ रहेगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट ये हमारा करंट ओपन सोर्स सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा 4 ओम, इस वन 4 ओम, वन 8 ओम, 3 ओम, ओके 12 वोल्ट. तो हम अगेन इसमें ऐसा एनालिसिस लगा कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये दो हमारे पास ब्रांचेस हैं, तो इसमें आई वन और इधर आई टू. मैस एनालिसिस हमने केवीएल में देखा था कैसे लगाते हैं. तो अप्लाइंग केवीएल इन, हमारी मैस वन हो गई और ये हमारी मैस टू हो गई. ओके, तो अप्लाइंग केवीएल इन मेस वन फर्स्ट. ओके, मेस फर्स्ट में हम केवीएल अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4 आई वन माइनस 4 आई वन और इधर और ये माइनस 4 आई वन माइनस आई टू हो जाएगा क्योंकि इधर आई टू भी जा रही है. माइनस 4 आई वन माइनस आई टू एंड देन माइनस 3 आई वन आएगी ना ऐसे, 3 आई वन इक्वल टू 0. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 आई वन प्लस 4 आई टू इक्वल टू माइनस 12. हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी. ओके, नाउ अप्लाइंग केवीएल इन मैच सेकेंड. सेकेंड में हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आई टू माइनस आई वन देन 8 आई माइनस 8 आई टू देन माइनस 4 आई टू. तो हम फाइनल इसको लिख देते हैं क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं हमारा माइनस 4 आई टू माइनस आई वन देन माइनस 8 आई टू देन माइनस 3 सॉरी देन माइनस 4 आई टू है माइनस 4 आई टू इक्वल टू 0. ओके, ये माइनस 4 आई टू माइनस 8 आई टू माइनस 4 आई टू तो माइनस 16 आई टू हो जाएगा और ये प्लस 4 आई वन प्लस 4 आई वन इक्वल टू 0. हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा. ऑन सॉल्विंग बोथ दिस इक्वेशन
both these equations we get I1 is equal to 2 ampere and I2 is equal to 0.5 ampere. Okay, so here the value of I dash for 12 volt is, so I dash ki value ye hamara idhar I dash jo humko nikalna tha 12 volt pe jo I dash ki value ho jayegi wo kitni ho jayegi I2 ho jayegi. I2 kyun ho jayegi? Wait. 12 वोल्ट पे जो वैल्यू वैल्यू हमारी जाएगी वो I1 हो जाएगी, सॉरी, क्योंकि I1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि इधर से I1 बस जा रही है, क्योंकि I2 इधर से सिर्फ इसी ब्रांच पे है. ओके, सो I डैश हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू I1 हो जाएगा. तो इसका हमको I डैश मिल गया, क्या मिल गया, I डैश हमारा 2 एम्पियर. ओके, हम अब इस बार हम दूसरे सोर्स को कंसीडर कर लेते हैं. इस बार हम इस सोर्स को कंसीडर करते हैं और इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से. इसी तरह हम फिर अगली बारी इसको कंसीडर करेंगे और रिप्लेस कर देंगे इन दोनों को, और फिर एट द लास्ट हमको एल्जेब्रिक सम करके इसकी वैल्यू मिल जाएगी. ओके, तो फिर से हम सर्किट बना लेते हैं. तो पहले लिख लेते हैं, नाउ रिपीट द सेम स्टेप फॉर these steps again for 24 volt source. चलिए हम सीरीज अपना सर्किट बना लेते हैं. तो हमारे 24 वोल्ट के लिए कर रहे हैं, तो हमारी 24 वोल्ट एज इट इज रहेगा. और इस बारी ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, और ये करंट सोर्स है, तो हमारा ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा. ओके, ओके, और ये हमारा 24 वोल्ट 8 ओम हमारे 8 ओम हो जाएगा. ये हमारा 4 ओम, दिस वन 4 ओम, ये हमारा 3 ओम. ओके, ये हमारा रिप्लेस हो गया इनके इंटरनल रेजिस्टेंस. फिर से हमको इनमें दो ब्रांचेस मैस की दिख रही हैं, दिस इज मैस 1 I1 एंड दिस इज मैस 2 I2. सो अप्लाइंग केवल इन मैस 1 अगेन, अप्लाइंग KVL इस फर्स्ट. ओके, मैस फर्स्ट में हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इधर माइनस 4 I1 माइनस I2 देन माइनस 3 I1, तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस 7 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी. नाउ अप्लाइंग KVL मैस सेकेंड, देन वी गेट मैस सेकेंड में अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 4 I2 माइनस I1 देन माइनस 24 वोल्ट माइनस 24 वोल्ट देन माइनस 8 I2 देन माइनस 4 I2. ओके, लिख देता हूँ एक बार, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस 4 I2 माइनस I1 माइनस 24 माइनस 8 I2 एंड माइनस 4 I2. ओके, माइनस 4 I2 इज इक्वल टू 0. ये माइनस 4 I2 माइनस 8 I2 माइनस 16 I2 हो जाएगा एंड प्लस 4 I1 इज इक्वल टू 24. हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी. ऑन सॉल्विंग बोथ दिस इक्वेशंस equations we get, this time we get I1 is equal to minus 1 ampere and I2 is equal to minus 1.75 ampere.
ठीक है, और इस बार हमारी I-24 बोल्ट कौन सी हो जाएगी? प्रायरी अगेन हमारी वही यहीं से तो जा रही है, ये I-24 बोल्ट हमारी हो जाएगी, ये हमारी I-12 वोल्ट है और ये हमारी I-24 वोल्ट हो जाएगी I1 के बराबर, जो कि -1 एम्पियर है। ओके, तो I-24 हो गई -1 एम्पियर। नाउ अगेन अगेन टेकिंग 3 एम्पियर सोर्स एम्पियर सोर्स एंड रिप्लेस्ड रिमेनिंग बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, हम इसका सर्किट बना लेते हैं। इस बार हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, 3 एम्पियर वाले को तीन दोनों के इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ओके, जो कि दोनों शॉर्ट सर्किट इस बार होंगे क्योंकि दोनों बोल्ट हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होंगे दोनों। बस सर्किट बना लेते हैं। इस बार ये एज इट इज रह जाएगा 3 एम्पियर। ओके, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, 3 ओम, I-4 3 एम्पियर। ओके, अगेन ये हमारा I1 और हमारा I2। इस बार हमारे पास ये ताकि हम इसको I3 ले लेते हैं, दिस वन इज टू। हमारे पास इस बार तीन ब्रांच मेस मिल गए हैं क्योंकि इस बार ये भी है। ओके, अप्लाइंग KVL, इस बार इसमें हम देख सकते हैं कि जो I2 है ये घूम के हमारा इस इधर आएगा, तो हमारा डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि I2 = -3 एम्पियर। ओके, क्यों? क्योंकि ये इसके अपोजिट जा रहा है, सो I2 = -3 एम्पियर हमको डायरेक्ट मिल गया। हमको ज़रूरत नहीं इस ब्रांच पे KVL अप्लाई करने के लिए, इस मेस पे KVL अप्लाई करने के लिए, हम सिर्फ इन दोनों मेस पे KVL अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग KVL इन मेस 1, तो हम KVL मेस 1 पे अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -4 I1, देन -4 I1 -I2 I3, देन -3 I1। सो हमको फाइनल रिजल्ट हमारा मिल जाएगा -4 I1 -I3, देन -I3 = 0। तो -4 -4 -3 -4 I1, वेट, ये हमारा I1 होगा क्योंकि इधर से I1 जा रही है। ओके, तो ये -7 I1 हो जाएगा +4 I3 एंड ओके -7 I1 +4 I3 एंड हमारे पास इधर से इसमें 3 I2, इधर I2 भी हमने उसको मिस कर दिया, तो सॉरी फॉर मिस्टेक, ये हमारा हो जाएगा -4 I1 -I3, देन -3 I1 -I2, देन -0, क्योंकि इसमें हमारा I2 भी इधर से जा रहा है, हमने मिस कर दिया था। तो -7 I1 +4 I3 +3 I2 = 0, और यहाँ पे हम I2 की वैल्यू रिप्लेस कर दें जो कि है -3 एम्पियर। तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा -7 I1 +4 I3 = 9, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो अप्लाइंग KVL इन मेस 3, मेस 3 में हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4 I3 -I1, देन -8 I3 4 I3। ओके, -4 I3 -I1 -8 I3 -4 I3 -I2
इज इक्वल टू जीरो। हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई वन माइनस आई थ्री इक्वल टू थ्री, जो कि हमारा क्वेश्चन सेकंड बन। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशंस वी गेट आई वन इज इक्वल टू माइनस टू एम्पियर एंड आई थ्री इज इक्वल टू माइनस 1.25 एम्पियर। ऑलरेडी नो आई टू इज इक्वल टू 3 एम्पियर, तो दिस टाइम आई डैश 3 एम्पियर क्या हो जाएगा, फिर से आई वन दिस टाइम आई वन माइनस आई टू, क्यों पर यहाँ से आई डैश के लिए आई वन और आई टू दोनों इसमें साथ में आई वन माइनस आई टू हो जाएगा। ओके आई वन माइनस आई टू क्यों होगा, क्योंकि आई वन आई टू से बड़ा है इसलिए आई वन माइनस आई टू होगा। अगर आई टू आई वन से बड़ा होता तो आई टू माइनस आई वन हो जाता। ओके सो आई डैश 3 एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर। ओके माइनस टू प्लस आई डैश 3 एम्पियर, तो सो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो हमने स्टेप्स में देखा किससे कि लास्ट में हम इन सब का तीनों का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, तो टोटल हो जाएगा हमारा, हम आई की आई टोटल लिख देंगे टी आई टोटल हमारा हो जाएगा आई डैश प्लस आई टू डैश प्लस आई थ्री डैश, मतलब आई 24 वोल्ट डैश प्लस आई 12 वोल्ट डैश प्लस आई 3 एम्पियर डैश। ओके हमारा आई टोटल हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस एम्पियर, क्या है 2 एम्पियर आई टोटल। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हमसे पूछा गया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।